खाब की अदालत रजत शर्मा के साथ। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी अभी एक्टिव हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं, या तो उनको कोई बताता है कि आपको ये बोलना है, तो वो क्या अपना पूरा होमवर्क करके नहीं आते हैं? क्योंकि अभी एक हमने मुद्दा देखा था फूड पार्क का, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, जो कि कांग्रेस के टाइम में ही डिसाइड हो चुका था कि वो नहीं होगा, फिर भी अचानक से उनको आज वो फूड पार्क का मुद्दा याद आया, तो ऐसा क्यों है? क्या वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करते क्या? मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया, और मैं आपको ये भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि वो फूड पार्क कांग्रेस के सरकार के समय में कैंसिल नहीं हुआ था। वो फूड पार्क जून 30 2014 में कैंसिल हुआ था, जब ये बीजेपी की सरकार आई थी। उसका कैबिनेट नोट भी हम लोगों के पास है, जो आप चाहें तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। सर, मैंने कई चैनल्स पे देखा है जो ये क्लियर कर चुके हैं कि वो चीज़ें कि फूड पार्क नहीं बनेगा, वो कांग्रेस के टाइम पे ही क्लियर हो चुका था, और ये क्लियर कैंसिल होने के एक साल बाद अचानक राहुल गांधी को अभी याद आया कि अभी ये फूड पार्क नहीं बनाया और बीजेपी ने इसे कैंसिल किया। मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर भी मैं, अगर आप चाहो तो मैं आपके समक्ष में रख पाऊंगा, जहाँ जून 30 2014 का डेट है, जिस मंत्रालय के मीटिंग में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के मीटिंग में वो फूड पार्क कैंसिल किया गया था, और जून 30 2014 को बीजेपी की सरकार थी। लेकिन मोटी बात यह है कि जनता के मन में इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि राहुल गांधी अपना होमवर्क करके नहीं आते। अपना होमवर्क पूरा करके जाते हैं हर विषय पर, और आपने देखा है संसद में भी और संसद के बाहर भी, जब वो विषय उठाते हैं तो मुद्दों के आधार पर उठाते हैं।